विकेट बल्लेबाज है हर्ष हर्ष भंडारी। और अर्नब की यह गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं। और इसे टैप किया हर्ष ने, एक रन दौड़कर पूरा किया, इसे रन के साथ खाता खोलते हुए। आदित्य का ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्ड होता हुआ एक रन के लिए, और गेंद विकेटों से टकराई, उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज हर्ष और आदित्य, और दो रन दौड़कर पूरे किए। इन दो रनों की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 3 रन। और एक बहुत बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर, उतनी अच्छी फील्डिंग ध्रुव द्वारा, एक रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। और एक फुल टॉस गेंद, और अनफॉर्चुनेटली विकेटों से टकराती हुई, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, बिल्कुल चाहते थे कि गेंद बास के बगल से होती हुई गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजे, लेकिन स्टंप से टकराती हुई गेंद, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 4 रन। और एक अच्छा स्ट्रोक हर्ष भंडारी के बल्ले से, एक रन के लिए, एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 5 रन पहले ओवर की समाप्ति पर। लेजेंड्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आदित्य शाह और हर्ष भंडारी, दो ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज पर, पहले ओवर की समाप्ति पर 5 रन हो चुका है स्कोर। और ध्रुव आए हैं नए गेंदबाज, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। और अच्छी फील्डिंग, और एक स्ट्रोक, दो डॉट गेंदे हो चुकी है, थर्ड थर्ड डॉट। और पिछले मैच में भी लगभग हर्ष भंडारी इसी तरह 3 डॉट गेंदे खेलकर आउट हुए थे, काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर ध्रुव द्वारा, 3 डॉट गेंदे लगातार। ध्रुव राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और काफी बेहतरीन ओवर इनका अब तक, 3 गेंदे डॉट किए हैं उन्होंने, बिल्कुल उनके जर्सी पर जो लिखा है 100, वही 100% परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए देते हुए ध्रुव। और प्रवीण आए हैं नए बल्लेबाज, सामना करने के लिए तैयार है ध्रुव की अगली गेंद का। ध्रुव राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये 4th डॉट गेंद, इस ओवर की ये 4th डॉट गेंद है। और एक रन दौड़कर पूरा करते हुए बल्लेबाज प्रवीण, स्कोर होता हुआ 1 रन। और बहुत जोरदार स्ट्रोक था, नॉन स्ट्राइकर के बल्ले से टकराता हुआ 1 रन के लिए, स्कोर होता हुआ 2 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर। 2 रन एट द एंड ऑफ 2 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। लेजेंड्स विनिंग द टॉस एंड इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट। और ये
आदित्य शाह के बल्ले से निकलता हुआ आज के दिन का ये पहला सिक्सर बिल्कुल साइड स्क्रीन के ऊपर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। वाइट बॉल, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। और ये गेंद काफी अच्छा एफर्ट वहां पर विकेट कीपर विनायक सामंत द्वारा, अच्छी कोशिश स्टंपिंग करने की, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चिन्मय गेंदबाजी कर रहे हैं अपने अपना निजी पहला और अपने टीम के लिए 3रा ओवर। आदित्य शाह आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए, अभी एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर उनके बल्ले से हमने देखा है। और ये गेंद इसे ड्राइव किया, 1 रन के लिए दौड़े और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। और प्रवीण ने इसे खेला है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, गेंद फील्ड होती हुई 1 रन के लिए। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 3रा ओवर जारी है। और एक गेंद, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन। अतिरिक्त रन, वाइट बॉल, स्कोर मूव्स ऑन टू 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये बहुत अच्छा ड्राइव वहां पर, अच्छी कोशिश अशोक केडवाल द्वारा गेंद को रुकाने की, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज आदित्य शाह को। स्कोर बढ़कर हो चुका है 13 रन 3 ओवर की समाप्ति पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ 3rd ओवर। अभी अशोक केडवाल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट सामना करने के लिए तैयार है आदित्य। और लेग स्टंप के बाहर शफल होकर इसे स्क्वायर कट करना चाहते थे आदित्य, और क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन की ओर वापस आ रहे हैं। और अशोक केडवाल जिन्होंने पहली ही गेंद पर एक बहुत ही बड़ी विकेट हासिल की, आदित्य जो काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बेहतरीन सिक्सर लगा चुके थे और क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन में वापस लौट चुके हैं। स्कोर अभी 8 रनों पर है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, और काफी अच्छी कोशिश चिन्मय द्वारा, ग्रेट एफर्ट, 2 डॉट गेंदे, बेहतरीन फील्डिंग। स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 2 डॉट गेंदे हो चुकी है। और इसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ड्राइव करते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया, 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 1 बॉल टू गो। और ये फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्ड होती हुई 1 रन दौड़कर पूरा करने का मौका बल्लेबाज गौरव सेठ
स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन चार ओवर की समाप्ति पर. एट द एंड ऑफ फोर्थ ओवर स्कोर इज 11 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स. प्रिय ठाकुर आ रहे हैं राइट आर्म राउंड द विकेट. और ये गेंद यॉर्कर लेन गेंद थी, अच्छी गेंद, कोई रन नहीं. और ये बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर कट गौरव सेठ द्वारा एक रन के लिए. स्कोर बढ़ता हुआ 12. और कुछ देर तक तो गेंद हवा में थी लेकिन जज नहीं कर पाए संदीप वैद्य. एक रन के लिए जाती हुई गेंद, एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन. और एक फुल टॉस गेंद और एक अच्छा ड्राइव एक रन के लिए वहां पर फील्ड होती हुई गेंद. स्कोर बढ़कर हो चुका है 14-14. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. स्कोर बढ़कर होता हुआ 16 रन 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एट द एंड ऑफ 5th ओवर. लेजेंड्स विनिंग टॉस एंड इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट. और ध्रुव राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए फिर से एक बार तैयार है. और ये फुल टॉस गेंद इसे ड्राइव करते हुए एक रन के लिए. हल्की से मिसफील्ड, वहां पर मिसफील्ड का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज प्रवीण एक रन पूरा करते हुए 18 हो चुका है स्कोर. 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर. और एक अच्छा स्ट्रोक गौरव सेठ के बल्ले से एक रन के लिए. स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अच्छी गेंद ध्रुव की, यॉर्कर लेन गेंद थी. अच्छा प्लेसमेंट, एक रन. स्कोर होता हुआ 20 रन 6 ओवर की समाप्ति पर. 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एट द एंड ऑफ 6th ओवर. और अभी 7वां ओवर करने के लिए आ रहे हैं अशोक खेडवाल. राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे. छः ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन. और ये पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले, द वन एंड द ओनली पावर प्ले ओवर. गेंदबाजी में चेंज, अभी चिन्मय आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए. ये पावर प्ले का ओवर है.
और ये गेंद टप्पा खाने के बाद टर्न होती हुई समझ नहीं पाए 20। और इसे हल्के से प्लेस करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 22। इसे प्लेस करते हुए 2 रनों के लिए स्कोर बढ़कर हो चुका है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चिन्मय गेंदबाजी कर रही है, पावर प्ले का ओवर चल रहा है। और ये अच्छी गेंद और अच्छी कोशिश वहां पर विकेट कीपर द्वारा डाइव लगाते हुए कैच करने की कोशिश की गई, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। स्कोर 26 रन। और एक डॉट गेन और 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एट द एंड ऑफ 7th ओवर। अभी 18 गेंदें बची है, 3 ओवर का खेल बचा है। और अर्रव आ रहे नया ओवर लेकर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज है गौरव। और ये गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 27। और गेंद इसे प्लेस करते हुए 1 रन दौड़ रहे बल्लेबाज गौरव। 2 डॉट गेंदे हो चुकी है और वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन। ये 3री डॉट गेंद थी प्रवीण की, अगर गेंद को हाथ में रखते तो शायद प्रवीण आउट हो सकते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली प्रवीण बचते हुए। और देखना है कि ये विकेट कितना भारी पड़ सकता है चार्जर्स को। और अर्रव की गेंद इसे कट कर गया है, गली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन के लिए। और इसे ड्राइव किया है मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ 31। 31 रन 8वां ओवर जारी है। और गेंद इसे हल्के से टैप कर दिया 1 रन के लिए, शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद फील्ड होती हुई, इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी टर्न होती हुई इसे रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए बल्लेबाज गौरव। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 32 रन 32 2 विकेट के नुकसान पर। अभी 12 गेंदें शेष है और प्रवीण और गौरव दो बल्लेबाज क्रीज में लेजेंड्स के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 32 रन हो चुके हैं अभी 8 ओवर की समाप्ति पर। और ये गेंद
बैट के ऊपरी सिरे से टकराती हुई, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन बाल बाल बचते हुए प्रवीण। और ये बहुत जबरदस्त स्ट्रोक था, अपने पैरों के सहारे उस गेंद को रोकते हुए अशोक खेडवाल, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34। और प्रवीण का एक बेहतरीन ड्राइव एक रन के लिए 35। और वहाँ पर हल्की सी मिस फील्ड का फ़ायदा, लेजेंड्स के स्कोर में 3 रन की बढ़ोतरी, 3 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 38। ये अच्छी गेंद थी अशोक खेडवाल, यॉर्कर लेन गेंद, अनप्लेएबल बॉल। और एक फुल टॉस गेंद, इसे खेला है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, गेंद फील्ड होती हुई एक रन के लिए, इसे एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। 9 ओवर की समाप्ति पर, एट द एंड ऑफ 9th ओवर, लेजेंड्स आर ऑन 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और प्रिय ठाकुर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, ये आखिरी ओवर इस इनिंग का। और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, वहां पर फिर से एक बार मिस फील्ड होती हुई एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे बल्लेबाज, और थोड़ा खराब थ्रो विकेट कीपर के सर के ऊपर से जाता हुआ 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं, स्कोर बढ़ता हुआ 41। और ये एक बहुत ही स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, और वहां पर रन आउट होने का खतरा है, ओ नो। और बिल्कुल काफी भाग्यशाली है, नो बॉल का इशारा अंपायर का, अंपायर का इशारा नो बॉल, 2 रनों की बढ़ोतरी, स्कोर बढ़कर हो चुका है 43। और ये गेंद डॉट गेंद, और इसे खेला है एक रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 44। और ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, गौरव सेठ के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन चौका, और इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। 2 बॉल्स टू गो, अभी 2 गेंदे शेष है, 48 हो चुका है स्कोर, काफी अच्छी और आक्रामक पारी कप्तान गौरव सेठ द्वारा, एक बेहतरीन स्ट्रोक, 2 बॉल्स टू गो, और एक स्ट्रोक वहां पर हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, 49 हो चुका है स्कोर। और ये ओवरथ्रो, और दौड़ पड़े हैं, खराब फील्डिंग, 51, बहुत अच्छी बल्लेबाजी गौरव सेठ, एक कैप्टन्स इनिंग खेलते हुए अपने टीम के लिए 23 गेंदों का सामना करते हुए 26 रनों का एक महत्वपूर्ण योगदान, और प्रवीण काफी भाग्यशाली, 3 जीवनदान उन्हें मिले, और नॉट आउट होकर, नॉट आउट रहकर पेविलियन में वापस,
और प्रवीण जिन्होंने 22 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन बनाए और यह मैच अभी काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि 51 रन्स बना लिए हैं लेजेंड्स ने और 52 रनों का टारगेट है चार्जर्स के सामने यह मैच जीतने के लिए। द लेजेंड्स won the toss and chose to bat first. At the end of 10 overs, Legends have scored 51 runs and set the target of 52 runs to win for Chargers. और Chargers की तरफ से opening बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज में आ रहे हैं 52 to win. और एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर, एक कैप्टन्स इनिंग, एक अच्छी पार्टनरशिप, गौरव चार्जर्स को यह मैच जीतने के लिए 10 ओवर में 52 रनों की जरूरत। चार्जर्स रिक्वायर्ड 52 रन्स टू विन दिस मैच इन 60 बॉल्स, 60 गेंदे 52 रन और काफी अच्छा और सम्मानजनक स्कोर। बॉल दे सम्मानजनक स्कोर अपने टीम को पहुंचाते हुए कप्तान गौरव सेठ और प्रवीण के बीच एक बेहतरीन साझेदारी और गौरव सेठ जिन्होंने कैप्टन्स इनिंग खेलते हुए 23 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन बनाए, उनको बहुत अच्छा साथ दिया प्रवीण ने जिन्होंने 17 रनों का योगदान दिया और एक बहुत ही अच्छा स्कोर कह सकते हैं क्योंकि ये और चार्जर्स की तरफ से दो ओपनिंग बल्लेबाज अर्णव और प्रिय ठाकुर, अब तक सभी मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने बतौर ओपनर, अपने टीम को अच्छी शुरुआत दी है, देखना है इस मैच में क्या कर पाते हैं क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच है, सेमीफाइनल का प्रेशर मैच और ये मैच जीतने वाली टीम सुपरस्टार्स के साथ कल फाइनल में खेलेगी और 52 रनों का लक्ष्य 60 गेंदे और 52 रन 60 बॉल्स एंड 52 रन्स टू विन। संकेत ये हर्ष बॉलर कौन है, हर्ष बॉलर कौन है? अच्छा वो जो आप लास्ट वीक में पासिंग लेके और एक रन संकेत है, गेंदबाजी कर रहे हैं राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बॉल और ये गेंद इसे टैप किया और बहुत बेहतरीन स्ट्रोक प्रिय ठाकुर द्वारा एक रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन।
और ये यॉर्कर-लेंथ गेंद, इसे ड्राइव करते हुए एक रन दौड़ते हुए अर्नव, स्कोर बढ़कर हो चुका है 3 रन। और प्रिय ठाकुर का एक बेहतरीन स्क्वायर कट। दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों में थोड़ी तालमेल की कमी नजर आ रही है। 4 हो चुका है स्कोर। और ये फुल टॉस गेंद, वेस्ट हाई फुल टॉस, नो बॉल का इशारा, नो बॉल। 6 हो चुका है स्कोर, 6। ये फ्री हिट की गेंद, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, लेकिन वहां पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग हर्ष भंडारी द्वारा। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज प्रिय ठाकुर को। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 7 रन पहले ओवर की समाप्ति पर। 52 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है चार्जर्स की टीम और पहले ओवर की समाप्ति पर 7 रन बना चुके हैं। और आदित्य आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार है प्रिय ठाकुर। और आदित्य की गेंद, इसे प्लेस किया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गेंद फील्ड होती हुई 1 रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज प्रिय ने, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। और एक फुल टॉस गेंद, इसे ड्राइव किया है वहां पर हर्ष भंडारी द्वारा, गेंद को रोका गया, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज अर्नव को। और एक बेहतरीन स्ट्रोक, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद 2 रनों के लिए, स्कोर बढ़कर हो चुका है 11 रन। 11 रन हो चुका है स्कोर, प्रिय ठाकुर और अर्नव दो ओपनिंग बल्लेबाज। और ये गेंद वाइड बॉल, स्कोर बढ़ता हुआ 12। और एक अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, इसे डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए। और एक बहुत ही बेहतरीन गेंद, 2 डॉट गेंदें हो चुकी है, 2 डॉट बॉल्स। और यॉर्कर-लेंथ गेंद थी, इसे ड्राइव किया, 1 रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। अभी भी ये मैच जीतने के लिए 48 गेंदों में 39 रनों की जरूरत, 39 रन्स रिक्वायर्ड इन 48 बॉल्स। और बहुत अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोशिश डायरेक्ट हिट करने की, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 14 विदाउट लॉस। जयेंद्र गुप्ता गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट, सामना करने के लिए तैयार है अर्नव। और ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, इसे मारना चाहते थे स्क्वायर लेग क्षेत्र में, चूके कोई रन नहीं। और एक फुल टॉस गेंद, ये दूसरी डॉट गेंद अर्नव की, काफी अच्छी गेंदबाजी जयेंद्र गुप्ता, लेजेंड्स के लिए। क्या इस गेंद में मैच में वापसी करा सकते हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और ये फुल टॉस गेंद, इसे मिड विकेट क्षेत्र में खेलते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज अर्नव ने। प्रिय ठाकुर का ये ड्राइव, वहां पर अच्छी फील्डिंग आदित्य शाह द्वारा, उतना ही अच्छा थ्रो, लेकिन बल्लेबाज को नहीं रोक पाएंगे, 1 रन लेने से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, 16 विदाउट लॉस। और एक अच्छा स्ट्रोक, लेकिन हर्ष भंडारी वहां पर तैनात। और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 17 रन, 17। अभी भी ये मैच जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत, 35 रन्स रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 7 ओवर्स।
और ये फ्लाइट हेड गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, गौरव सेठ एक कप्तान की इनिंग। और ये डायरेक्ट हिट, और डायरेक्ट हिट हमेशा क्रूशियल होती है, और वो विकेट है अर्नव का। देखते हैं रेफरल, सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा यहां पर, नो वन। पूरे ग्राउंड में सन्नाटा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बैट्समैन इज नॉट आउट। और इस डिसीजन से पहले आपने अर्नव की हार्ट बीट सुनी होंगी। गुड एफर्ट हर्ष भंडारी। और गेंद हवा में, और इसी के साथ ही डिक्लेयर करते हुए दो रनों के लिए, क्योंकि वॉल को टच किया हर्ष ने, और काफी फॉर्चुनेट दो रनों के लिए अंपायर का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, काफी भाग्यशाली रहे प्रिय ठाकुर। और इसे ट्राई किया है, अंपायर का इशारा नो बॉल। दो रनों के डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, दो रनों के लिए स्कोर। और एक स्ट्रोक वहां पर, अच्छी फील्डिंग आदित्य शाह की एक रन के लिए। कितना गया? 24 हो चुका है स्कोर। और ये गेंद बहुत ज्यादा फ्लाइट की हुई गेंद, नो बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। और अच्छा थ्रो डायरेक्ट विकेटों पे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से सीधा विकेट कीपर की तरफ। ट्वेंटी
डॉट बॉल चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 27। अभी भी ये मैच जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत, 36 गेंदों में 36 बॉल्स एंड 25 रन्स टू विन। और हर्ष की ये गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए प्रिय ठाकुर, कोई रन नहीं। और एक बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्ड होता हुआ, स्कोर बढ़कर हो चुका है 28 रन। और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक अर्णव के बल्ले से निकलता हुआ एक रन के लिए, एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 29 रन। अभी भी 23 रनों की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। और इसे एक लॉफ्टेड ड्राइव करते हुए, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 29 रन। और एक बहुत ही बेहतरीन गेंद, दो डॉट गेंदे हो चुकी है। और ये बैट की एज को लगती हुई गेंद पैरों से टकराई थी, एक रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर हो चुका है 30 रन, 30 विदाउट लॉस। एट द एंड ऑफ फिफ्थ ओवर चार्जर्स स्कोर 30 रन विदाउट लॉस, नाउ दे रिक्वायर्ड 22 रन टू विन इन रिमेनिंग 30 बॉल्स। बहुत अच्छी और जिम्मेदारी भरी पारी दोनों बल्लेबाजों की ओर से, दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अर्णव और प्रिय ठाकुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिंग अपने टीम के लिए खेलते हुए। और ये सेमीफाइनल का मैच है, प्लेऑफ्स का ये आखिरी मैच। संकेत गुप्ता गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और ये गेंद इसे टैप करते हुए एक रन लेने का पूरा मौका है, स्कोर बढ़कर हो चुका है 31 रन, 31 विदाउट लॉस। और फ्लाइटेड गेंद, ललचाई हुई गेंद, इसे ड्राइव करना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से टकराती हुई वहां पर शॉर्ट मिड ऑफ क्षेत्र में हर्ष भंडारी द्वारा बहुत ही बेहतरीन कैच करते हुए अर्णव आउट होकर पवेलियन में वापस लौटते हुए काफी अच्छी इनिंग, काफी अच्छी शुरुआत अपने टीम को देने के बाद एक अनफॉर्चुनेट स्ट्रोक उनके बल्ले से निकलता हुआ सीधा कैच कर लिए गए हर्ष भंडारी द्वारा। और काफ़ी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट कैप्टन की ओर से लेजेंड्स के, और ठीक उसी जगह पर कैच लेते हुए हर्ष भंडारी और अर्णव के रूप में ये पहले विकेट का पतन। और अभी चार्जर्स की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं चिन्मय, टीम के कप्तान। स्कोर हो चुका है 26 रन, 26 अभी भी, और 26 रनों की ज़रूरत। और चिन्मय इसे टैप करते हुए गैप में खेलते हुए एक रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़कर हो चुका है 27 रन, एक विकेट के नुकसान पर। प्रिय ठाकुर 28 और अच्छी फील्डिंग वहां पर कप्तान गौरव सेठ द्वारा। और ये लॉफ्टेड ड्राइव डिक्लेयर जोन में जाता हुआ दो रनों के लिए, इन दो रनों की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 30 रन, 30 अभी भी, 22 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए, 24 गेंदे और 22 रन, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 30 रन। चार्जर्स से चेस कर रहे हैं टारगेट 52 रनों का, लेजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 51 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था और जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत थी, और अभी तक 6 ओवर की समाप्ति पर 30 रन बना चुकी है चार्जर्स की टीम।
और आदित्य शाह की ये बहुत ही अच्छी गेंद डॉट बॉल, फर्स्ट डॉट बॉल, और ये काफी फॉर्चुनेट रहे प्रिय ठाकुर। शायद आज प्रिय ठाकुर अपना लक अपने साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी उन्हें हर्ष भंडारी द्वारा बेहतरीन कैच लेने के बावजूद दो रन मिले थे और इन दो रनों की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 32। अच्छा प्लेसमेंट, स्कोर बढ़ता हुआ 33। चिन्मय सिंह भी द्वारा एक बेहतरीन स्ट्रोक उनके बल्ले से निकलता हुआ सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, चार रनों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रोक चिन्मय सिंह भी के बल्ले से निकलता हुआ ये दंदनाता हुआ चौका। और एक फुल टॉस गेंद, इसे ड्राइव किया है मिड विकेट क्षेत्र में, एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं बल्लेबाज चिन्मय, स्कोर बढ़कर हो चुका है 38। डॉट गेन, कोई रन नहीं, स्कोर है 38। सात ओवर की समाप्ति पर 38, 18 गेंदों में 14 रनों की जरूरत, 14 रन्स रिक्वायर्ड इन 18 बॉल्स, 3 ओवर्स एंड 14 रन्स, दिस इज अ पावर प्ले बैटिंग, पावर प्ले बहुत ही क्रूशियल ओवर इस मैच का। और ये ड्राइव किया है, वहां पर अच्छी फील्डिंग, वहां पर मिस फील्ड होती हुई हर्ष भंडारी द्वारा और 6 रनों के लिए गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ 44। ये पावर प्ले का ओवर है, और एक अच्छा ड्राइव 2 रनों के लिए 46। डॉट बॉल, फोर्टी एट, 4 रनों की जरूरत, और एक बेहतरीन कवर ड्राइव चिन्मय के बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, और ये काफी खराब थ्रो, 4 रन, और 52 रन का जो टारगेट है वो अब तक चेज हो चुका है, लेकिन एज पर द रूल आपको पूरा मैच खेलना है। और एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइव, 1 रन के लिए 2 रनों की बढ़ोतरी 54। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 54। जयेंद्र गुप्ता गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, 54 रन हो चुका है स्कोर 54, 1 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदें शेष है। डॉट बॉल, और यह फुल टॉस गेम, 6 रनों के लिए चिन्मय सिंह से बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन सिक्सर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, स्कोर हो चुका है 60। और एक डिफेंसिव स्ट्रोक, 1 रन के लिए 61 हो चुका है स्कोर 61 रन। हाँ, लेट कट, 1 रन के लिए 62 हो चुका है स्कोर। और चिन्मय का और एक बेहतरीन ड्राइव, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रनों के लिए, स्कोर बढ़कर हो चुका है 66। और काफी बेहतरीन बल्लेबाजी चिन्मय, एक बेहतरीन इनिंग, एक आक्रामक पारी, 13 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन बना चुके हैं 33 रन इन 13 बॉल्स,
और एक गेंद, ओहो अच्छा प्रयास वहां पर आदित्य शाह द्वारा, बहुत अच्छी कोशिश, अपने टीम के लिए 5 रन बचाए उन्होंने, ये सिक्सर था लेकिन काफी अच्छा एफर्ट। 67 हो चुका है स्कोर और ये आखिरी ओवर, 52 रनों का टारगेट था और अभी 15 रन एक्स्ट्रा बना चुके हैं चार्जर्स और इसका पूरा श्रेय जाता है चिन्मय, काफी बेहतरीन और धुआंधार बल्लेबाजी। 5 गेंदे शेष है, 15 अतिरिक्त रन उनके खाते में है। और 2 डॉट गेंदे हो चुकी है, सिक्सटी एट हो चुका है स्कोर, 16 रन ज्यादा है चार्जर्स ने एक्स्ट्रा बनाए हैं, उनका टारगेट था 52 रनों का और 3 गेंदे शेष है। और प्रिय ठाकुर सामना करने के लिए तैयार और इसे ड्राइव करते हुए 1 रन के लिए, 2 गेंदे शेष और लगभग ये मैच चार्जर्स की तरफ झुक चुका है। और चिन्मय का और एक बहुत बेहतरीन स्ट्रोक और पहली बार बोर्ड को हिट किया है और नहीं ओके नहीं स्कोर का अगला चिन्मय और इसी के साथ ही 19 गेंदों का सामना करते हुए 42 रनों का बहुत बड़ा योगदान